जब केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं, और 100 दिन में कुछ लोगों तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। साथियों, बीते 100 दिन में जो भी बड़े फैसले लिए गए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। आपके अभूतपूर्व विश्वास के बल पर ही कृषि से लेकर के राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय सरकार ले पाई। आतंकवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमारे हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसी तरह अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को मदद करने का रोडमैप रखा गया है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। यह भी शुरुआत है जिसका निश्चित लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथियों, इसके अलावा इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर संसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। ये मंच बीजेपी का है, लेकिन संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। भाई और बहनों, बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर नए समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं। साथियों, आप ही की ही प्रेरणा से बीते चार महीने में ऐसे अनेक संकल्प पूरे किए गए हैं जो चुनाव के दौरान हमने लिए थे। हमने देश की 8 करोड़ गरीब बहनों के घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया था। उसको कल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कार्यक्रम में हासिल कर लिया गया है और हरियाणा में ही 7 लाख से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। हमने संकल्प लिया था कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को दिलाएंगे। सरकार बनते ही इसको लागू कर दिया गया है। अभी तक देश भर में इस योजना के तहत देश के 7 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है, जिसमें 13 लाख से अधिक परिवार सिर्फ हमारे हरियाणा के हैं। इतने कम समय में ही देश भर के किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया, तो हरियाणा के किसानों के खाते में 425 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। किसान परिवारों के लिए ही पेंशन का एक और बड़ा संकल्प आपके सामने भाजपा ने रखा था। बुढ़ापे में सहारा देने वाली हर महीने 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित करने वाली ये योजना भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही कम समय में देश भर के करीब 8 लाख किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। इनमें से 33,000 से अधिक मेरे हरियाणा के किसान भाई बहन हैं। आने वाले समय में इसमें व्यापक वृद्धि होने वाली है, बल्कि बहुत ही जल्द छोटे और लघु व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना की सुविधा मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, किसानों के हित में ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके बल पर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होकर के रहने वाला है। किसानों की लागत कम हो, फसल का उचित दाम उन्हें मिले, उपज की बर्बादी ना हो, इसके लिए निरंतर नए नए प्रकल्प आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रोहतक में बनने वाला मेगा फूड पार्क ऐसी ही कोशिशों का एक हिस्सा है। इस फूड पार्क से हरियाणा के हजारों किसानों और व्यापारियों को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ फूड पार्क से करीब करीब 7,000 लोगों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। इसके अलावा इससे फूड प्रोसेसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए एक प्रभावी सप्लाई चेन यहां विकसित की जा रही है। साथियों, भाजपा का एक और संकल्प है जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया है। साल 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका है। जल जीवन मिशन पर
पूरा देश जुड़ चुका है, हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये तय किया गया है कि पानी को बचाने और पानी घर घर जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हरियाणा को भी मिलने वाला है। आज दुलेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण इस दिशा में बड़ा कदम है। इसके पूरा होने से अब दर्जनों गांव के किसानों को जहां सिंचाई का पानी मिलेगा, वहीं लाखों गैलन पानी जो बर्बाद होता था, अब वो लोगों को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथियों, रोहतक की धरती से मैं पूरे हरियाणा से ये निवेदन करूंगा कि पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्तर पर हम छोटे बड़े जो भी प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। हम उतना ही पानी जमीन से या दूसरे स्रोतों से ले जितना जरूरी है। ये जागरूकता लाना अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों का बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उनके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हितों को दी जा रही है। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा रोडमैप पहले किसी के पास नहीं था जिसमें 130 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता समाहित हो। हमने स्वास्थ्य के साथ साथ इससे जुड़ी सुविधाओं में सुधार भी, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया। हमारा रोडमैप था कि एक ऐसी स्थितियों को दूर करो जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों के पहुंच को आसान बनाने पर काम किया, सुविधाओं को किफायती बनाया और उन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर गए जहां अब तक इससे वंचित थे। स्वच्छ भारत से लेकर योग तक, उज्ज्वला से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक, और इन सब के साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने तक, इस तरह की हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम योगदान दे रही है। एक तरफ जहां इससे एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियां भी ठीक हो रही है। साथियों, हरियाणा समेत देश भर में पारंपरिक और आधुनिक इलाज की तमाम व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को, दवाखानों को, नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है। इसी सोच के साथ कुछ दिन पहले ही हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत मैंने दिल्ली से वीडियो के माध्यम से की थी। आज गुरुग्राम में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गरीब से गरीब को भी अस्पताल में जगह मिले, उसका इलाज हो सके, इस मकसद से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत ने गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। जन औषधि योजना से सस्ती दवाइयां मिल रही है।
जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों की भी नियंत्रित किया गया है। साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हेल्थ केयर से जुड़े जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो स्वस्थ और सशक्त भारत के लक्ष्य को अनुकूल है। इसके लिए कई मंत्रालय मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव में आपने भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनादेश दिया था। अब हरियाणा के भविष्य के लिए भी बीते 5 वर्षों की निरंतरता को आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का आपके पास एक और मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य के गौरव को बढ़ाने वाले कार्य कर रही है। आज स्वच्छ भारत की बात करें तो हरियाणा पूरे देश में अव्वल राज्यों में एक है। हरियाणा ने अपने आप को पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ मुक्त घोषित कर लिया है। इसके अलावा हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है और एमएसएमई सेक्टर में भी देश के टॉप राज्यों में हरियाणा का नाम है। हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए आपके राज्य को मनोहर जी जैसे नेतृत्व की जरूरत है, जो संकल्प के साथ, समर्पण के साथ लगातार आपकी सेवा में जुट लगे रहे हैं। मनोहर लाल जी सहित हमारे तमाम साथियों ने बीते 5 वर्षों में इन संस्कारों के अनुरूप काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा के सरकारी सिस्टम से अपने पराए के भेद को खत्म करने का, उस मानसिकता पर चोट पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में बंदर बांट की एक गलत परंपरा को खत्म किया गया है। बीते 5 वर्षों में बेरोजगार युवाओं के कौशल से लेकर उनको मिलने वाली मदद तक में वृद्धि की गई है। बीते 5 वर्षों शिक्षकों के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को बंद करने का सफल प्रयास किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में किसानों की जमीन पर भ्रष्टाचार का जो खेल चलता था वो भी बंद हो गया है। 5 वर्षों के ऐसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर पूरा हरियाणा आज भाजपा के पक्ष में खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ, मनोहर लाल जी के साथ रोहतक के, हरियाणा के जन जन का ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। आपने देखा होगा यहां पर 45, 50, 60, 70 की उम्र के लोग जिन्होंने हरियाणा में बहुत सारी सरकारें देखी हैं, उन सरकारों के चरित्र को देखा है, उन सरकारों की पहचान पता है आपको। परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और यहां मुख्यमंत्री कौन बनते थे?
दिल्ली में जो सरकार हो वहां के प्रधानमंत्री को, वहां की सरकार को कोई मुसीबत हो या कोई छोटी मोटी सिद्धि के गीत गाने हो तो यहां उस मुख्यमंत्री को पसंद किया जाता था कि जो दिल्ली में ट्रकें भर भर के हरियाणा से लोगों को ले आए, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ढोल नगारे पिट्टी पे, और उस समय के प्रधानमंत्री का जय जयकार करे, ये काम कर दो तो हरियाणा को वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिल जाए, यही कारोबार चला था। 5 साल में कभी हरियाणा से एक ट्रक भी लोगों को ले जाने का काम न यहाँ के मुख्यमंत्री को करना पड़ा है, न यहाँ की सरकार को करना पड़ा है। हरियाणा के लिए ये नई कार्य संस्कृति का अनुभव है, नई राजनीति का अनुभव है। निस्वार्थ भाव से हरियाणा के लिए जीने मरने वाले लोग भी हरियाणा में है, ये इस सरकार ने दिखा दिया है। भाइयों बहनों, आज देश दुनिया में अपनी कमाल दिखा रहा है। हिंदुस्तान के जीवन में 7 सितंबर मुझे एक और साक्षात्कार हुआ। और मैं कहना चाहूंगा 7 सितंबर रात में सुबह 1:50 पूरा देश टीवी के सामने नजरें गाड़ के बैठा था। देश और दुनिया चंद्रयान की गति को खुशखबरी के लिए एक नजर से वहां देख रही। अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, 1:50 बाद के 100 सेकंड 7 सितंबर की रात के वो 100 सेकंड, 7 सितंबर की अर्ली सुबह के वो 100 सेकंड मैंने एक और साक्षात्कार किया। एक घटना ने, एक घटना ने पूरे देश को 100 सेकंड के अंदर जगा दिया। एक घटना ने 100 सेकंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। एक ऐसा स्पिरिट, और मैं कहूंगा जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, मैं कहूंगा अब हिंदुस्तान में इसरो स्पिरिट है, इसरो स्पिरिट है। अब देश नकारात्मकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सफलता असफलता के मायने 100 सेकंड के भीतर भीतर देश ने बदल दिए हैं। अब देश पुरुषार्थ की पूजा करता है, अब देश पराक्रम की पूजा करता है, अब देश परिवर्तन की आस्था को लेकर के चल पड़ा है। 125 करोड़ देशवासियों का ये मिजाज मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य की
बहुत बड़ी विरासत है। जो लोग निराशा में जीते हैं, जिनको निराशा खोजने में ही आनंद आता है, आशा और विश्वास की ताकत क्या होती है, संकल्प का सामर्थ्य क्या होता है, 100 सेकंड में आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। जिस देश में संकल्पों के लिए जीने की इतनी बड़ी ताकत होती है, वो इसरो स्पिरिट होता है। जो देश सफलता और असफलता की सीमाओं के परे संकल्पों के लिए जीता है, वो सपने भी पूरे करता है। और इसलिए उस 100 सेकंड में देश ने जो करके दिखाया है, निमित्त इसरो था, निमित्त इसरो के वैज्ञानिक थे, निमित्त चंद्रयान की यात्रा थी, लेकिन मिजाज मिजाज 125 करोड़ देशवासियों का था। भारत भाग्यवान है, हम भाग्यवान है कि इस देश के अंदर ऐसी ऊर्जा है, देश के अंदर ऐसी भावनाएं हैं। यही भावनाएं देश के सारे संकल्पों को पूरा करने वाली है। भाइयों बहनों, हम निर्णय ले पा रहे हैं, हम फैसले ले पा रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है देश हित के सिवाय हमारे कोई मानदंड नहीं है, हमारा कोई तराजू नहीं है। और उसी उसूल से मनोहर लाल जी ने हरियाणा को नई दिशा दी, नई गति दी, नई ताकत दी। हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आपको बधाई। आप भारी संख्या में यहां हम सभी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका आभार। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।